नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव अपने पूरे शवा पर पहुंच चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेजी से चल रहा है। इस बीच वाराणसी से ताल्लुक रखने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वायनाड से सांसद और अभी कल ही रायबरेली से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले राहुल गांधी पर एक टिप्पणी की है। और ये टिप्पणी है कि तहत उन्होंने जो कहा है कि रविंद्र जायसवाल ने कहा है कि राहुल गांधी द्वारा राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान देश बनिया और व्यापारी वर्गों पर दिए गए विवादित बयान का पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मानसिक बीमार हैं, वह अपना इलाज कराएं। मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी का दिमाग वास्तव में खराब हो चुका है और वह दिवालिया हो गए हैं। व्यापारी और बनिया वर्ग देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है, लेकिन राहुल गांधी की नजरों में देश का व्यापारी वर्ग चोर है, जबकि वास्तविकता यही है कि राहुल गांधी स्वयं बड़े चोर हैं, क्योंकि न वो नौकरी करते हैं और न ही व्यवसाय करते हैं, फिर भी उनके पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति कहां से आई। उन्होंने कहा कि कारोबार फेल होने के बाद जैसे व्यापारी दिवालिया हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से अब कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी भी कांग्रेस के फेल होने के बाद पूरी तरह से दिवालिया हो गए हैं। मंत्री के इस बयान के बाद दूसरे दिन बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष धीरेन्द्र नाथ शर्मा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने और उससे क्षुब्ध वाराणसी के अधिवक्ताओं के साथ मिलकर के कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा है और दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पंडित धीरेन्द्र नाथ शर्मा, अधिवक्ता संतोष चौबे, आनंद शंकर मिश्र, अशोक तिवारी सहित दर्जनों अधिवक्ता शामिल रहे। ये इस तरह का आरोप प्रत्यारोप, इस तरह की इतनी घिरी हुई टिप्पणी, किसी को मानसिक रूप से दिवालिया कह देना, किसी को चोर कह देना, ये कहां तक शोभा देता है, ये समझ के बाहर है। राहुल गांधी ने किन संदर्भों में क्या कुछ कहा है राजस्थान में, इसे कम से कम मंत्री स्तर के राजनेता को पूरी तरह से सुनना और समझना भी चाहिए था। ऐसा बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष धीरेन्द्र नाथ शर्मा ने व्यक्तिगत बातचीत में कही है। तो हम सुनते हैं धीरेन्द्र नाथ शर्मा की भी वर्जन, और उन्होंने जो जिला निर्वाचन आयोग से, जिला निर्वाचन अधिकारी को से जो मांग की है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। आप वीडियो को सुनें, देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। कल इलाहाबाद स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी ने कांग्रेस के डीएनए के संबंध में जो बात कही,
उनका यह कहना कि कांग्रेस के डीएनए में ही तुष्टिकरण की नीति है, उनका यह कहना प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए यह कहना कि राहुल गांधी चोर हैं, इस बात की मैं घोर भर्त्सना करते हुए इस जिला निर्वाचन अधिकारी से मांग करता हूं कि चुनाव की सहिष्णुता को बनाए रखने के लिए, साफ सुथरी छवि को बरकरार रखने के लिए कम से कम वाराणसी जैसे शहर में इस तरह के बयानों से लोगों को बचना चाहिए। राहुल गांधी जी वायनाड से वर्तमान में सांसद हैं, रायबरेली से उन्होंने सांसद के रूप में नामिनेशन दाखिल किया है। ऐसे व्यक्ति के विषय में यह कह देना कि राहुल गांधी चोर है बहुत ही अशोभनीय है और अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग है। मैं जिला निर्वाचन अधिकारी से चुनाव की शुद्धता को बनाए रखने के लिए माननीय रविंद्र जायसवाल जी के खिलाफ मांग पत्र देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी से मांग करता हूं कि वह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।